एचएल टीवी न्यूज। भिवानी के कर्मचारी मजदूर महरौली व राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के दिशा निर्देश अनुसार स्थानीय संघ के कार्यालय महम रोड पर एक जिला स्तरीय बैठक उप प्रधान खुशी रंगा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जिला सचिव सुखदर्शन सरोहा ने कर्मचारियों पर हो रहे अत्याचार व हमलों की विस्तृत चर्चा कर्मचारियों के साथ साझी की। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए नारेबाजी की। भाजपा सरकार पूंजीपति लोगों को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचाने के लिए जनता की सेवा के लिए खोले गए सरकारी विभागों को उजाड़ने पर तुली हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने तुगलकी फरमान व नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 36,000 कच्चे कर्मचारियों को हटाकर बाहर का रास्ता दिखाया है। सीटू के जिला उपाध्यक्ष करतार गरेवाल व सर्व कर्मचारी संघ के राज्य कमेटी सदस्य जगरोशन ने संयुक्त रूप से बताया कि 7वें वेतन आयोग में 14% की बढ़ोतरी कर वही लूटने वाली सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि ये बढ़ोतरी हिंदुस्तान आजाद होने से आज तक की सबसे कम बढ़ोतरी है। सर्व कर्मचारी संघ ने हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों में रैली व हड़ताल की तैयारियों को लेकर जत्थे चला दिए हैं। व्यापक तैयारियां जोरों शोरों पर हैं तथा 9 अगस्त को करनाल में होने वाली कर्मचारी मजदूर महारैली में जिले भर से 10,000 कर्मचारी व मजदूर कूच करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ जिला भिवानी की आज कार्यकर्ता कन्वेंशन है और ये कार्यकर्ता कन्वेंशन 9 अगस्त की जो करनाल में रैली करने जा रहे हैं उसकी तैयारी के लिए हम यहाँ कर रहे हैं। आज की जो मीटिंग और कार्यकर्ता कन्वेंशन, मतलब लगातार 2 साल से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार शासन में है और जब चुनाव में सरकार ने वादे किए थे कि हरियाणा के अंदर अगर हमारी सरकार बन जाती है तो पंजाब के बराबर बेहतर माल लागू करेंगे, कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे, सरकारी विभागों का निजीकरण नहीं करेंगे और जो खाली पड़े पद हैं उन पर नियमित रूप से भर्ती करेंगे, लेकिन आज सरकार अपने चुनाव वादे से मतलब पीछे हट रही है और सर्व कर्मचारी संघ लगातार ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक के मलिक सरकार के खिलाफ कार्यक्रम कर चुका है, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मान रही है। इसलिए हमने 9 अगस्त को करनाल में CMCT जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, 9 अगस्त को करनाल में पूरे प्रदेश के कर्मचारी इकट्ठा होकर वहाँ हरियाणा सरकार के खिलाफ रैली करने जा रहे हैं और 9 अगस्त का दिन हमने इसलिए चुना है कि 9 अगस्त 1942 को मतलब देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था और 9 अगस्त 1942 को मतलब देश की आज़ादी के लिए मतलब भारत के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद करवाने के लिए यह आंदोलन चलाया था। हम सरकार से कुछ नहीं मांगते, सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले वो अपने वादों पर खरी उतरे। यदि सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरती है तो सर्व कर्मचारी संघ बीजेपी को चैन से सांस नहीं लेने देगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी की बात सुनी जानी चाहिए। छठे पे कमीशन की अनोमली आज तक नहीं हुई है, पंजाब के समान वेतन मान लागू नहीं हुआ है, हरियाणा में एक बहुत बड़ी फौज कच्चे कर्मचारियों की है। सरकार ने वादा किया था कि हम सत्ता में आने के बाद सभी को रेगुलर करेंगे, लेकिन पॉलिसी भी बन चुकी है लेकिन सरकार रेगुलर नहीं करना चाहती। जिला स्तर पर कमेटी बना करके और आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करना चाहती है। भिवानी से हलचल टीवी के लिए रितेश शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।